नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारा मधु की रसोई से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। ये मिठाई को मैंने बनाया है कस्टर्ड पाउडर से। जी हाँ, इसमें किसी भी तरीके का मैंने मैदा, सूजी, मावा या फिर किसी भी तरीके का मिल्कमेड मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लेकर इस मिठाई को बनाया है। तो आप जब भी चाहें घर में बच्चों को मिठाई खिलाना, आप ये वाली मिठाई बना करके खिला दीजिए। कुछ लोग कराची हलवा भी बनाते हैं जो कि कॉर्नफ्लोर से बनता है, पर मैंने इसे कस्टर्ड फ्लोर से बनाया है, इसलिए इसे कस्टर्ड हलवा कहते हैं। मैंने इस हलवे को जमा दिया और उसके पीसेस काट लिए तो मेरी ये बर्फी के रूप में बन गई। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैंने एक साफ बाउल लिया और उसमें डाल दिया मैंने 1 कप कस्टर्ड पाउडर। ये मेरा कस्टर्ड पाउडर जो है वो वनीला फ्लेवर का है, इसीलिए ये पीले कलर का है। अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 1 कप पानी, लेकिन पानी हमें डायरेक्ट एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डालना है। और पानी मेरा एकदम ठंडा है, मतलब नॉर्मल है, गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो कस्टर्ड की लम्ब्स बन जाएंगे। ये देखिए, मैंने धीरे धीरे सारा पानी इसमें डाल दिया और अब मैं 1/2 कप पानी इसमें और ऐड करूंगी, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर। और सारे मिक्सचर को अच्छे से मैं घोल लूंगी, इसमें एक भी गांठ नहीं रहे। आप अच्छे से विस्कर से इसे मिक्स कर दीजिए, एकदम पानी रहना चाहिए इसमें, कोई भी गांठ कहीं भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, सेट हो गया है हमारा। अब मैं रखूंगी अपना फ्राइंग पैन और इस फ्राइंग पैन में मैं डालूंगी जितना हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है उतनी ही चीनी, यानी कि 1 कप, और इसमें पानी डाल दूंगी 1.5 कप। तो लीजिए, 1.5 कप मैंने पानी डाल दिया है और अब हम इसको चीनी को मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। लगभग 2 से 3 मिनट में ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो मैं इसको हिलाई जा रही हूँ ताकि चीनी नीचे लग ना जाए। देखिए, चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। चीनी अब मेरी पूरी मेल्ट हो गई है। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बर्फी में, तो आप जरूर डालिए। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हैं। देखिए, चीनी एकदम मेल्ट हो गई है और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने कस्टर्ड का पानी के संग घोल बना के रेडी किया है वो वाला। और बस अब आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मिक्स करते रहना है इसको। गैस एकदम स्लो रखनी है, मैंने अपने इंडक्शन को एकदम स्लो पे करा हुआ है और बस इसे मैं मिक्स करती रहूंगी और ये अपने आप थोड़ी देर में गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, इसने अपना कलर और अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करनी शुरू कर दी है, मैं बस इसे हिला रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसे हिलाना है हमें अच्छे से, ताकि कहीं भी ये जमे नहीं, कहीं भी लम्स ना बने। गैस एकदम स्लो रखनी है और थोड़ी ही देर में ये अपनी कंसिस्टेंसी चेंज करने लगेगा। ये देखिए, इसने चेंज कर दी है और मैं सिर्फ इसे मिक्स कर रही हूँ अभी भी। ये देखिए, अब ये कुछ इस तरीके का हो गया है। गैस अभी भी मेरा स्लो ही है, पूरे टाइम गैस स्लो ही रखना है और बस मिक्स करते रहना है, इसको एक जगह पर नहीं छोड़ना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी इसमें लगभग 1/2 कप जैसा जाएगा, आपके ऊपर चॉइस है, आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसे थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसे और गाढ़ा कर लेती हूँ। चलिए, अब ऐड करती हूँ मैं इसमें पहले 1 चम्मच घी और बस घी डालना है और मिक्स करते जाना है। जब ये घी अपने आप मिक्स हो जाएगा तब मैं दोबारा 1 चम्मच घी और डाल दूंगी। इसी तरीके से मैं 3 से 4 बार इसमें घी डालूंगी, इससे बर्फी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, शाइन आएगी और ये पौष्टिक भी बहुत बन जाएगी। लीजिए, थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ और फिर से मिक्स कर देती हूँ। जैसे जैसे मैं घी डाल रही हूँ, ये बर्तन को छोड़ता जा रहा है। अच्छे से किनारों से छुड़ाते जाइए और मिक्स करते जाइए। लीजिए, एक बार और घी डाल दिया मैंने और फिर से इसे हिला देती हूँ मैं। अब ये कस्टर्ड हलवा हमारा एकदम रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, परोस सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के। मैंने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। अब घी का काम इसमें खत्म हो चुका है, इसमें भरपूर मात्रा में घी जा चुका है। मैंने अब अपनी गैस को बंद कर दिया है और सिर्फ अब इसे मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, कितना प्यारा कलर आया, एकदम लाइट येलो, क्योंकि कस्टर्ड वनीला फ्लेवर जो है वो पीले कलर का होता है। तो अब मैं इसमें थोड़े से ऐड कर देती हूँ काजू और बादाम, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए और थोड़े से मैंने इसी में मिक्स कर दिए हैं।
अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। और लीजिए तैयार है आपका कस्टर्ड हलवा। कॉर्नर छुड़ा दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छे से घी डाला हुआ है और बर्तन भी हमारा ग्रीस्ड था, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये अपने आप आराम से डीमोल्ड हो जाता है। अब मैं ले लूंगी एक प्लेट और उसके ऊपर टिफिन को रखकर उल्टा कर दूंगी और देखना एक टैप से ही मेरा ये निकल के आ गया है। वाओ, इतनी अच्छी बर्फी बनकर तैयार हुई है हमारी। अब आप अपनी चॉइस की, अपनी साइज की, जो आप शेप चाहते हो उसकी बर्फी आप अपने चाकू से काट सकते हैं। मैं यहाँ स्क्वायर पीसेस काट रही हूँ। आप चाहे तो ट्राइंगल, आप चाहे तो राउंड, आप चाहे तो रेक्टेंगल, जैसी आपको पसंद हो वैसी काट सकते हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर वर्क भी लगा सकते हैं सिल्वर कलर का। ये देखिए कितनी अच्छी बर्फी बनकर के हमारी तैयार हुई है। तो जब चाहे झटपट से बर्फी बनाना या मिठाई खाना, आप तुरंत अपने बच्चों को और अपने लिए ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? कम समय में कम चीजों से एकदम बढ़िया मिठाई है ना। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।